आज बिग थ्री में तीन बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बजरंग दल को बैन करने की खबर, सबसे पहले बात इस खबर पर करेंगे। ये तीन बड़ी खबरों से जुड़ी तीन तस्वीरें। अब इस खबर के बाद सियासत शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर एनसीपी से जुड़ी है। एनसीपी नेता शरद पवार के इस्तीफे के बाद से एनसीपी में भूचाल मचा हुआ है। तीसरी खबर की बात होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर दौरे की, जहां सीएम गहलोत आज अपना जन्मदिन आदिवासियों के बीच मनाएंगे। तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें। सबसे पहले बात बजरंग दल पर चल रही सियासत की। कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। अब इस मामले को लेकर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। मेघवाल ने कहा कि बजरंग दल का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक कृत्यों में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हैं। जय श्री राम के नारे लगाकर भी ये लोग अपराध करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद राजस्थान में सरकार फैसला लेगी। अब मंत्री के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुझे दुख होता है इस बात का कि आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे, वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं, उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा दिया। आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। पार्टी बैठ के डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, वो सारे बैठ करके इस पे चिंतन करेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर, जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी। चलिए, गोविंद राम मेघवाल मंत्री जी हैं और उनका ये बयान, किस तरह बीजेपी इस बयान को ले रही है। अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी स्वागत है आपका सच में धड़क पर। सर, किस तरह देख रहे हैं सर इस बयान को? देखिए तो भाई, कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस के चरित्र को देखें तो आजादी के समय मुस्लिम लीग के साथ समझौता, उसके बाद फिर केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता, जयपुर में कोटा में पीएफआई को जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बैन किया हुआ उसको कोटा में रैली निकालने की अनुमति देना, और अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध, बाद में कोर्ट के आदेश के बाद जब आयोग ने तय किया इसी तरह का नियम बनता है तो उसको बाद में उस प्रतिबंध को हटाने की बात हुई। अलग अलग समय पर राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट में इनके नेता कपिल सिब्बल ने एफिडेविट फाइल किया कि राम की एक किरदंती है, राम सेतु को तोड़ने का आदेश इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये लगातार तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर देश के बहुसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज की जो जिनके साथ भावनाएं जुड़े हैं, ऐसे सभी देवताओं और महापुरुषों का अपमान करने का शुरू से चरित्र है। तो अर्जुन आज जिस तरह की बात उन्होंने की है वो उसी तरह की प्रक्रिया, उसी के तहत तरह की बात बोलने की बात है। ये कह रहे हैं कि जिस पटेल को बीजेपी अपना बहुत बड़ा नेता मानती है आज भी, वो पटेल आरएसएस पर बैन लगा चुके थे, इनकी तो गतिविधियां ही ऐसी हैं, ये तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आपराधिक कृत्य करते हैं, ये कह रहे हैं मेघवाल साहब। आग्रह करूंगा इतिहास के पन्नों को थोड़ा पढ़ रहे हैं। उस प्रतिबंध के बाद गांधी जी की हत्या के बाद एक आयोग बना था, आयोग की क्या रिपोर्ट आई है और उसने क्या अपनी फाइंडिंग दी है, क्या रुपया पढ़ने तो शायद बातों को नहीं बोलेंगे और खुद अपना गर्दन छुपा करके फिर निकलते हुए दिखेंगे। ये बार बार इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय संसद में एक बार नहीं, आपातकाल में फिर प्रतिबंध लगाया, 92 में फिर, उसके बाद जब आपने राम जन्मभूमि का ढांचा गिरा था, उसके बाद बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा था,
उसके बाद फिर प्रतिबंध लगाया, बार बार उसको कांग्रेस को उसको बार बार हटाना ही पड़ा, क्योंकि ये बार बार सिद्ध हुआ है कि राष्ट्र के विषयों को लेकर के वो अगर काम करता है तो फिर वो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचार के संगठन बजरंग दल को भी कई बार कितने काम किया, लेकिन कोई भी अराष्ट्रीय गतिविधि नहीं, लगातार राष्ट्र को संगठित करना, बहुसंख्यक समाज के विषयों को उठाना, इस विषय को लेकर के बजरंग दल काम में करता है, किसी तरह की अराष्ट्रीय गतिविधि में बजरंग दल का कोई लिखता। कर्नाटक से ये बात, ये चर्चा शुरू हुई, राजस्थान मध्य प्रदेश तक पहुंची, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदू आतंकवाद को लेकर इनकी कुछ एक रणनीति थी उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, तो अपन सबने देखा है कि आप 2008 के समय जयपुर में दंगे, देश में 5 दंगे हुए और 5 दंगों में केवल जयपुर का दंगा ऐसा था जिसमें कहीं एक समाज विशेष के लोग जुड़े हुए थे उसके, जिनके ऊपर आरोपित थे, उस विषय को एनआईए को नहीं दिया कि सारे विषय एनआईए को दिए और उसमें से ही खुद इनके नेता दिग्विजय सिंह जी उस समय की नीति नीति तय करने काम करते थे, उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द को याद करने का काम किया। तो कांग्रेस तो आज नहीं, बड़ा आजादी के बाद के कालखंड में, उससे पहले भी आप देखते हैं बार बार एक देख करके किस प्रकार से हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग को वोट लेने के लिए इस प्रकार के प्रयास लगातार करते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका सर सच बेधड़क के मंच पर। सर ये बयान आया, गोविंद राम मेघवाल बोले और अब सियासत शुरू, इस आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर, मैं किस तरह इस बयान को देख रहे हैं आप? गोविंद राम मेघवाल वही बात बोले जो मुख्यमंत्री यदा कदा हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा इनके भाषणों के अंदर सिर्फ एक ही बात आती है कि किसी न किसी तरह अपनी खोए हुए जन आधार को वापस लें। आपने देखा होगा ये वही सरकार है जिसने पीएफआई में को कोटा में हिजाब रैली करने की अनुमति दी, ये वही सरकार है जिसने उदयपुर और बाड़मेर के अंदर इस बार होली पर धारा 144 लगाई, ये वही सरकार है जो हनुमान जयंती पर कहती है कि अगर हनुमान जी की पताका किसी ने लगा दी तो उस पर मुकदमा करेंगे, ये वही सरकार है जिसने करौली में रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस पर जिन लोगों ने हमला किया उनको बचाने का काम किया और जो जिन लोगों पर हमला हुआ उनको फंसाने का काम किया। इसलिए इस सरकार से इसका के मंत्री का ध्यान कोई आश्चर्यजनक नहीं है, इनकी मूल रूप में इनको सिर्फ एक ही है कि ये अपने वोटों का साधना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष के वोटों को अपना वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक बनाना चाहते हैं, उसी कारण से ये सारा इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ इनमें हिम्मत हो तो इनको मना किसने किया है, बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाए और किसी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं कोई भी राष्ट्रीय संगठन पर पाबंदी लगाकर जा रहे हो? हिम्मत तो करें, प्रमुख विपक्षी पार्टी है आपकी सर, और मुख्यमंत्री के बयान के बाद गोविंद राम मेघवाल का ये बयान, और गोविंद राम मेघवाल तो पहली बार नहीं दे रहे हैं बयान, आप भी जानते हैं इससे पहले करवा चौथ को लेकर भी बोल चुके हैं वो, इससे पहले फोन पर भी किस तरह के अपशब्द उनके वायरल हुए थे, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इस बयान के बाद? देखिए मैं समझता हूँ कि ये रणनीति सिर्फ गोविंद जी के बयान पर नहीं, रणनीति पूरी सरकार का जो काम करने की पद्धति बनी हुई है, इस सरकार ने राजस्थान को सांप्रदायिकता की भट्टी में जला रखा है। हम उन सारे मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे हैं, हमारी जन आक्रोश यात्राओं में भी हम इसको कर रहे हैं, आपने देखा होगा जयपुर के अंदर दंगों के अंदर बहुत सारे लोगों की जान देने वाले लोग जब बरी हो जाते हैं, आज तक सरकार एसएलपी में नहीं की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी एसएलपी हमें ही करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मापदंड है, ये पीएफआई को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये सिमी को संरक्षण देने वाले लोग हैं, इसलिए इनको हर राष्ट्र और जो इस प्रकार की हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो भी हमारे संगठन है जिन संगठनों के साथ अप्रोक्ष रूप से कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आज बजरंग दल कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, उस पर बैन करने की बात कर रहे हैं, कल को रामदल पर बैन करने की बात करेंगे, परसुराम दल पर बैन करने की बात करेंगे, ये हमारी संस्कृति पर हमला करने की बात कर रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना, सिमी से करना, क्या ये भी आपको लगता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? कमजोर मानसिकता की निशानी है। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति जब विज्ञान उसी पर चलता है और उसकी मानसिकता कमजोर हो जाती है तो इसी प्रकार के अंदर जो ध्यान आते हैं, एक सदा हुआ जो इनका वोट बैंक है उसी को साधने की कोशिश फिर से की जा रही है। ठीक है सर, शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े।
और गोविंद राम मेघवाल के बयान की निंदा करते हुए तमाम बीजेपी नेता और कह रहे हैं कि हम इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं, और आने वाले वक्त में हालांकि कह रहे हैं कि आक्रोश रैली में हम इस बात को उठा भी रहे हैं और आने वाले वक्त में हम और भी मुखर होकर इस तरह के बयानों को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो गोविंद राम मेघवाल का बयान और उसके बाद राजनीति शुरू। कर्नाटक से के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब ये कहा जा रहा है बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कर्नाटक से रवाना हो चुके हैं। उदयपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक से रवाना, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कुछ देर बाद उदयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से लगातार बधाइयां दी जा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री को बधाई दी, अपनी शुभकामनाएं दी उनके जन्मदिन पर। और आज मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन आदिवासियों के बीच मनाने जा रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री अब उदयपुर पहुँच रहे हैं। अपना जन्मदिन मनाएंगे, फिर सरकार की तरफ से जो राहत कैंप लगे हुए हैं उन कैंपों का भी जायजा लिया जाएगा। हुगली से उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें, और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। हर रोज दोपहर 3:30 बजे। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें, और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बड़ी खबर है शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में भूचाल, एनसीपी नेताओं में अब इस्तीफे का दौर जारी। जितेंद्र आवार ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल पटेल ने भी पवार को अपना रिजाइन भेज दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पवार का इस्तीफा, एनसीपी में भूचाल, शरद पवार के इस्तीफे के बाद इस्तीफों का दौर जारी। एनसीपी नेता अब एक एक कर इस्तीफे थमा रहे हैं अपने। जितेंद्र आवार ने राष्ट्रीय महासचिव पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अनिल पटेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी एनसीपी में। और खबर आ रही है कि अब एनसीपी का बॉस कौन होगा, अब उसके लिए सुप्रिया सुले उनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है और उत्तराधिकारी का ऐलान आज या कल में हो सकता है। कौन होगा एनसीपी का बॉस, सवाल सबसे बड़ा ये। और
ये भी खबरें हैं कि क्या शरद पवार कार्यकर्ता उनसे लगातार अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि इस्तीफा ना दें और इसी तरह पार्टी की कमान संभाले रखें। तो अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शरद पवार वापस लेंगे इस्तीफा, क्या शरद पवार अपने पद पर बने रहेंगे और इस्तीफा देने की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, और ये जो इस्तीफा दिया है इसका मैसेज जाएगा क्या। लोकसभा चुनाव है आने वाले वक्त में, मैसेज बढ़ा जाएगा इसका, क्या मैसेज जाएगा उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन पार्टी को क्या एकजुट रखने के लिए शरद पवार का ये इमोशनल कार्ड था। कनिका कटियार मेरी सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं दिल्ली से। कनिका, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर, इस्तीफों का दौर जारी लगातार? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं का इस जो है भावुक जो व्यवहार देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ताओं ने आज जो है इस्तीफा दिया और नेताओं ने लगभग बात करें तो तमाम विधायकों ने और नेताओं ने भी अपना इस्तीफा दिया। हालांकि इसी के बाद शरद पवार ने सभी नेताओं से, सभी विधायकों से ये अपील की है कि मेरे इस फैसले का सम्मान करें और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है, कोई भी जो कार्यकर्ता है जो नेता है वो इस्तीफा ना दे और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिस कमेटी का कल गठन किया गया था उसमें चार लोगों के नाम शामिल थे जिसमें सुप्रिया सुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सभी लोग उस कमेटी के मेंबर हैं और उस कमेटी की आज बैठक भी हुई लगभग जो है 12 बजे के दौरान जो एक बैठक हुई है। उस बैठक में जो है नए अध्यक्ष कौन बनेगा उस पर लेकर नामों पर मंथन जारी था। हालांकि अभी उस बैठक का कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आया है। उस बैठक को कहा गया है कि 2 से 3 दिन में उस बैठक की जो भी भूमिका रहेगी वो चलती रहेगी और 2 से 3 दिन के बाद ये ऐलान किया जाएगा कि नया अध्यक्ष कौन है। परंतु उस बैठक में जो दो मुख्य नाम थे वो थे एक प्रफुल्ल पटेल का जो शरद पवार के बेहद नजदीकी नेता माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी चर्चाओं में लगातार जारी है। तमाम जो लोग थे वो इन दो नामों पर अपनी सहमति जो है दिखा रहे थे। परंतु सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि उस पूरी बैठक में अजीत पवार के नाम पर कोई भी मंथन नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार बनेंगे नए अध्यक्ष या सुप्रिया, ठीक है, शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। कनिका कटियार दिल्ली से हमारी सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ी। अब अभी संशय इस बात पर कि अगला बॉस कौन एनसीपी का। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। गहलोत आज मेवाड़ के दौरे पर रहेंगे, यहां आदिवासियों के बीच सीएम गहलोत अपना जन्मदिन मनाएंगे। इस दौरान कई गांवों का दौरा कर सीएम गहलोत राहत शिविर का जायजा लेंगे। सीएम गहलोत के दौरे को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीएम राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का जायजा लेंगे। वहीं इसके बाद सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से शाम 5 बजे के बाद झारोल पहुंचेंगे। यहां भी मुख्यमंत्री राहत केंद्र का अवलोकन करेंगे। शाम 6 बजे के बाद झारोल से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचेंगे जहां नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रात्रि विश्राम भी उदयपुर में ही होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं कर्नाटक से, कुछ ही देर बाद उदयपुर पहुंचेंगे। महंगाई राहत कैंप शिविर लगाए जा रहे हैं, इन कैंपों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे, साथ ही आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे और मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतज़ार करते यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, वो लोग आदिवासी जिनसे मुख्यमंत्री ने वादा किया था आज उनके बीच में रहने का और अपने इस वादे को निभाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अपना जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासियों के बीच मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का 72वां जन्मदिन है और देश भर से सुबह से शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है और जिस जगह पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम व्यवस्थाएँ की गई है और कुछ ही देर बाद कर्नाटक से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, कुछ ही देर बाद उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर में ही आज रात को रात्रि विश्राम का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हम आपको बता रहे हैं। आदिवासियों के बीच जाएंगे और फिर अपना जन्मदिन मनाने के बाद आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री उदयपुर में ही करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 72वां जन्मदिवस और जन्मदिवस पर देश भर से बधाइयों का तांता, बधाइयों का सिलसिला सुबह से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री को अपने शुभकामना संदेश दिए। पार्टी के तमाम नेताओं ने, सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री को अपनी बधाइयां, अपनी
शुभकामनाएं दी। एक एक कर तमाम नेता मुख्यमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं और उदयपुर में उनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ ही पलों बाद, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचेंगे। कर्नाटक से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, उदयपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं और उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा कुछ ही देर बाद उदयपुर में। और फिर आदिवासियों के बीच मुख्यमंत्री आज अपना जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन के दिन भी देखिए मुख्यमंत्री आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राहत कैंप जो लग रहे हैं उनका जायज़ा लेंगे। थोड़ी ही देर बाद, बड़ी खबर, थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से कोटड़ा के घाटा गांव मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो जिन लोगों को इंतज़ार है मुख्यमंत्री का, वो सच बेधड़क पर इस ब्रेकिंग को देख लें, इस खबर को देख लें। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उनके बीच में होंगे। जन्मदिन की बधाइयों का सिलसिला जारी, कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं और कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से कोटड़ा के घाटा गांव मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए, इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का, हाथ में बैनर पोस्टर लिए ये कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर से सहयोगी धीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, उदयपुर में तैयारियां तो पूरी हो गई होंगी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, कितनी देर बाद पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मेवाड़ के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है, इस मौके पर भारी तादाद के अंदर जो कार्यकर्ता है वो डबोक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करेंगे। वहीं अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाए जाने के भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए फूलों की माला लाई गई है। वहीं अशोक गहलोत के पक्ष में यहाँ पे नारे लगाते हुए यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वहीं जन्मदिन मनाने के लिए केक भी लाया गया है। ये वल्लभनगर विधायक पृथ्वी शक्तावत के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से हेलीकॉप्टर से कोटड़ा के घाटा गांव पहुंचेंगे, जहाँ पर वह आदिवासी परिवार के साथ भी अपना जन्मदिन मनाएंगे। और इसके बाद वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप जो कैंप लगा हुआ उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से सीधे 5 बजे के करीब झाड़ोल पहुंचेंगे और झाड़ोल में भी महंगाई राहत कैंप शिविर का अवलोकन करेंगे। इसी के पश्चात शाम को 6:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचेंगे और 7 बजे नगर निगम के अंदर आयोजित महंगाई राहत कैंप शिविर के अंदर अवलोकन करेंगे। और तमाम जानकारी के लिए बिक्री में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।